हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं दोबारा आपके लिए लेके आके आऊँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किसके तरफ से? गो IBP और MNTE के तरफ से। आपने ये नाम तो सुना होगा गो MMT का। अगर आपने इसका इंटरव्यू दिया है या फिर देने जा रहे हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर ये मुझे शेयर किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट उसने एक्सपीरियंस किया था। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मैनेजरियल राउंड तक उसने क्लियर किया था। अब उसको ऑफर लेटर आया या नहीं आया वो मैंने इतना नहीं पूछा, बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो मुझे रिलेवेंट लगे कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं जिसमें मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर भी किया है, और भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ गो MMT का। गो MMT का आपने अगर भरा है ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँ वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे, ठीक है। शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन बता दूंगा। जिस जिसके मुझे लगेंगे आंसर चाहिए उसके मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दी है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वहाँ पर नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली पढ़े, ठीक है। गो MMT ऑटोमेशन टेस्टिंग इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड है हमारा टेक्निकल राउंड, जो इसमें कुछ कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कोडिंग के क्वेश्चन हो गया, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम स्ट्रिंग, कैसे हम स्ट्रिंग में जो भी डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स आते रहते हैं उसे हम कैसे स्ट्रिंग को रिमूव कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक दे दी है। इस पर आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप डायरेक्ट गीक फॉर गीक्स के है ना साइट पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस मेथड के थ्रू करना है, जावा से करना है, पाइथन से करना है, C# से करना है। जावा से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो जावा से आप इसका मेथड दे सकते हैं। मुझे लगा कि इसका लिंक दे देना चाहिए तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। सेकंड है ना कोडिंग का राउंड था, सेकंड क्वेश्चन था वेरीफाई इफ स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम का मीनिंग क्या होता है वो भी आप इसके लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। एनाग्राम मतलब होता है दो स्ट्रिंग लीजिए, उन दोनों के जो भी कैरेक्टर आपके सेम मिल जाता है उसे हम एनाग्राम कहते हैं, किसी भी अरेंज ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने आपको दे दी है, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलता हूँ। जैसे चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स ऑफ आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। एनाग्राम मतलब आप देख सकते हैं जैसे लेसन है और साइलेंट है, इनमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब IB होगा, LB होगा, जितने 6 कैरेक्टर हैं वैसे ही 6 कैरेक्टर यहाँ पे भी होंगे। ऐसे ट्राइंगल है और इंट्रीगल है, कोई सी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकता है, बट जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर हमारे दूसरे वाले वर्ड में भी होने चाहिए, उसे हम कहते हैं एनाग्राम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर सिलीनियम पे आ जाते हैं। सिलीनियम का पहला क्वेश्चन था एक्सेप्शन इन सिलीनियम। सिलीनियम के एक्सेप्शन आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे। नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सर्च अलर्ट एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन है वो आप याद करके रख लीजिएगा सिलीनियम के। फिर इसके बाद बात करते हैं सिलीनियम वेब ड्राइवर हायरार्की। ये एक नया क्वेश्चन था मेरे लिए भी, तो इसलिए मैंने सर्च किया और मुझे एक हायरार्की मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हायरार्की इस तरह की थी। सर्च कॉन्टेस्ट था, फिर इसके बाद वेब ड्राइवर है। वेब ड्राइवर के अंदर हायरार्की में आ जाता है रिमोट वेब ड्राइवर, जिसमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है और टेक्स स्क्रीनशॉट होता है। फिर इसके बाद क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, क्रोमियम के अंदर क्रोम ड्राइवर। ये हायरार्की बना के आप बता सकते हैं उन्हें, या फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो इसकी भी लिंक मैंने आपको दे दी है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे के आंसर मैं हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवाते जा रहा हूँ, जिसके डिफिकल्ट हैं, सारे के तो नहीं करवाऊंगा, जिसके डिफिकल्ट हैं वो वाले करवा रहा हूँ। तो आपको हायरार्की का आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट वेट्स इन सिलीनियम, अलग अलग वेट्स कौन कौन से होते हैं सिलीनियम में, जैसे एक्सप्लिसिट वेट हो गया, इम्प्लिसिट वेट हो गया और फ्लुएंट वेट हो गया। ये तीन वेट के बारे में आप डिफरेंस देख सकते हैं, गूगल पर आके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक पज़ल का क्वेश्चन था, ये पज़ल का क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे भी पूछा गया है, एक दूसरी कंपनी थी गुड़गांव की, उसका भी मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला पूछा गया था मुझसे भी, कि कितना एक बैट्समैन मैक्सिमम स्कोर कर सकता है 50 ओवर में। मतलब आप समझ लीजिए क्रिकेट मैच में दो लोग होते हैं,
एक होता है हमारा स्ट्राइकर एंड में और एक होता है हमारे रनिंग वाले एंड पे। तो अगर बाई चांस एक स्ट्राइकर वाले एंड को अगर हमें रन बनाने के लिए दे दिया जाए, उसे कोई भी नो बॉल वाइड बॉल इन सबों को काउंट ना करा जाए, तो मैक्सिमम रन 50 ओवर में कितने बना सकता है, इसका आप क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मैं देखूंगा कि आपने कितना सही बताया कितना गलत बताया, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहले आपको कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। ये एक पजल का क्वेश्चन है जो गो MMT में भी पूछा गया था। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, सेकंड राउंड टेक्निकल टेक्नो मैनेजरल राउंड, इसको है ना नेम दिया था उसने टेक्नो मैनेजरल राउंड, जिसमें कोडिंग के क्वेश्चंस भी थे, जैसे रिवर्स ओनली वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, या आप इजीली सर्च करेंगे तो गीक्स फॉर गीक में मिल जाएगा, रिवर्स ओनली वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, जितने भी है ना रिवर्स वॉवल्स हैं उनको रिवर्स करना है, फाइंड मिसिंग नंबर इन एरे, जो भी मिसिंग नंबर है उसे फाइंड करना है एरे में। ये दो कोडिंग के राउंड हो गए। सिलीनियम से क्या क्या पूछा गया, रिलेटेड टू फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर एंड डिजाइन पैटर्न पूछे गए। मोबाइल की अगर बात करें तो बेसिक APM के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे सर्वर पोर्ट क्या होता है, UI ऑटोमेटर क्या होता है। और फिर इसके बाद पूछा गया डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS, मतलब API की तरफ मूव करें होंगे तो HTTP और HTTPS के बारे में पूछा गया इसमें। फिर इसके बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं, ये सेकंड राउंड का हो गया। थर्ड राउंड में मैनेजरियल राउंड में पूछा गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन एनी ट्रैवल एप्लीकेशंस, कुछ ट्रैवल एप्लीकेशंस के बेसिस पे उसने सिचुएशन दी होगी, उसमें आपको पूछा गया होगा कि है ना टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, आ जाते हैं मोर फोकस्ड ऑन राइटिंग TCs मतलब टेस्ट केसेस एंड अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, कैसे आप प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और उसके क्या क्या टेस्ट केसेस आप बता सकते हैं, ये सब चीज़ें मैनेजरियल राउंड में पूछी जाती है। अगर आपने दो राउंड क्लियर कर दिए तो आप समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो चुका है 80% तक, और यहाँ पे कोई भी टेक्निकल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो ये था आपका MMT के गो MMT के क्वेश्चंस के इंटरव्यू के ऑटोमेशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं Paytm के ऊपर बनाने वाला हूँ। Paytm में कौन कौन से ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं वो चीज़ें मैंने लिख रखी है, इसी के जस्ट नीचे मिलेगा, Paytm का मिलेगा, देन उसके बाद Deloitte का मिलेगा। ये तीनों वीडियो मैं आपको लगातार हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवाऊंगा आज ही, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।